गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम फिर से एक बार एनसीईआरटी की अपनी सीरीज को, जिसमें हम आरंभ सीरीज हमने शुरू की है, इंडियन हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली बार हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और इस स्टोरी को हम ले आए थे पुर्तगालियों तक। पोर्चुगीज किस तरीके से भारत में आए ये मैंने आपको बताया था, किस सिचुएशन से गुजर के वास्को डी गामा भारत पहुंचा, भारत पहुंचा जमोरिन राजा से मिला। राजा जमोरिन ने बहुत अच्छा वेलकम दिया, लेकिन वेलकम देने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ये थी कि आसपास बहुत जो उनके लोग थे उनको पसंद नहीं आया कि भारत में वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा के आने से उनको बहुत सारे पर्सनल लॉसेस थे, इसी वजह से उन्होंने जमोरिन राजा के कान भरने शुरू किए। कान भरे गए तो उसकी वजह से ये हुआ कि जमोरिन ने जो कंसेशंस थे वो देने कम किए। उसके बाद त्रवणकोर के राजा से पुर्तगालियों ने अच्छे रिलेशन बनाए और फिर जमोरिन्स के साथ एक युद्ध भी लड़ा। जमोरिन्स के अलावा बीजापुर के सुल्तान, ऑटोमन सुल्तान और उसके अलावा इजिप्शियन मामलुक डायनेस्टी ने एक अलायंस बना लिया, और फिर उनके खिलाफ भी पुर्तगालियों को एक युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन कर करा के आखिर में एक अच्छी चीज हुई। आखिर में अच्छी चीज क्या हुई कि समय बदला और उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन भी आई। ठीक है, तो पुर्तगालियों के लिए फेवरेबल सिचुएशन भी आई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो गोवा भी अपने कब्जे में लेने में सफल रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पीछे डिस्कस की थी। ठीक है, कि गोवा कैसे अपने कब्जे में ले पाए। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली जो है एक भारत में वो एक सपना पाल लेते हैं कि जो सी ट्रेड है, जो उनका सी ट्रेड है अफ्रीका से लेकर जो इंडोनेशिया तक का जो पूरा इलाका है, वो चाहते थे कि पूरा सी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किसके कब्जे में रहे, पुर्तगालियों के कब्जे में रहे। वास्को डी गामा ने एक कॉल दी थी कि अब अगर भारत में किसी के जहाज, भारत और इंडियन ओशन में कहीं किसी के जहाज चलेंगे समुद्र में, तो सिर्फ पुर्तगालियों के चलेंगे। ट्रेड अगर कोई करेगा तो पुर्तगाली करेंगे। और 1510 तक वो सपना पूरा भी हो गया था। उसके लिए जो आदमी रिस्पॉन्सिबल था वो था अफोंसो अल्बकर्क। अफोंसो अल्बकर्क वो व्यक्ति था जिसने फाइनली 1509-10 में पुर्तगालियों की इस पूरे इलाके पर, पूरे इलाके पे, इंडियन ओशन में चाहे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, सब इलाकों पर पुर्तगाली डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी थी। तो ये महारत थी अफोंसो अल्बकर्क की। अल्बकर्क चाहे दुनिया, जब वो भारत आए थे तो इतने काबिल जो है कोई अफसर नहीं थे, और वो तो एक जूनियर रैंक ऑफिसर थे। उस समय अल्फोंसो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के नीचे काम करते थे अल्फोंसो। तो उसके बाद उन्हें जब फाइनली 1509-10 में कमान सौंपी गई तो उनके समय में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। वास्को डी गामा का 1502 में देखा गया सपना 1510 में अफोंसो अल्बकर्क ने पूरा कर दिया था, और भारत में पुर्तगालियों का समय बदलने वाला था। 1510 में गोवा हासिल कर लिया बीजापुर के सुल्तान से अफोंसो अल्बकर्क ने, और क्या चाहिए था, और आगे तो सब चीजें अच्छी होने वाली थी। अल्बकर्क 1510 में, 1515 में उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन तब तक वो पुर्तगालियों को भारत में एक बड़ी ताकत बना के छोड़ गए थे। 1516 में पहली चर्च स्थापित की गई, लूज चर्च। पिछली बार मैंने आपको बताया था पहली चर्च स्थापित की गई मायलापुर मद्रास में। 1522 में साउथ टॉम चर्च। मैंने कुछ चीजें बताई थी कि पुर्तगालियों का एक खास इंपैक्ट भी था हमारे देश में। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, लेडी फिंगर, चिली, पाइनएप्पल, पपाया, सपोटा, लीची, ग्राउंडनट, कैश्यू, आलमंड्स, ये सब चीजें वो लेकर आए भारत में। तो उनके इकोनॉमिक इंपैक्ट ये था कि सब चीजें इंपोर्ट करने में पुर्तगालियों का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद रिलीजियस इंपैक्ट की बात करूं तो क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। हाँ, अब चले और देखो, कई मिशनरी जैसे सेंट फ्रांसिस जेवियर, फादर रुडोल्फ, मॉन्टसीरत, ये सब क्रिश्चियनिटी को फैलाने में इन सब ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये सारी जो चीजें थी जो हो रही थी, क्रिश्चियनिटी को जिस तरीके से स्प्रेड किया गया था,
वो सब पुर्तगालियों के फेवर में गया था। भारत में उनका कंट्रोल बहुत अच्छा हो चला था। और बताऊं और कुछ चीजें, सोशल इंपैक्ट की बात करते हैं, सोशल इंपैक्ट की बात करते हैं, सोशल इंपैक्ट। भारत में एजुकेशन जो है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। पुर्तगालियों ने एजुकेशन को अपने हाथ में रखा। क्रिश्चियन मिशनरी जो है उन्होंने कई स्कूल शुरू किए, कॉलेजेस शुरू किए, और खास तौर पे जो भारत में एजुकेशन के लिए उन्होंने जो लैंग्वेज चुनी, लेकिन उसको पुर्तगाली नहीं रखा, उन्होंने इंडिया में नेटिव लैंग्वेजेस का ही प्रमोशन किया। प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली बार टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट किया था कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगाली लेकर आए। और उसके अलावा कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज जो है इनको आगे चल के जो बहुत बड़ा जो है बूस्ट मिला, उसमें ऐसे उसका रे ये था कि पुर्तगालियों ने बाइबल जो है उसे कन्नड़ और मलयालम में जो है वो ट्रांसलेट कराया। ठीक है, तो ये सारी चीजें की थी पुर्तगालियों ने। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ये देखो इस मैप में अगर आप देखोगे ना, तो ये टेरिटरीज हैं जो एक एक करके पुर्तगालियों ने आगे चल के अपने कब्जे में ली। सारे कोस्टल इलाके वहां पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। तो मैंने इस पूरे मैप को चार हिस्सों में बांटा है, आप देख पाओगे 1, 2, 3 एंड 4। चार हिस्से क्या, पहला जो गुजरात कोस्ट है, उसके बाद फिर मलाबार कोस्ट, ठीक है, उसके बाद फिर इधर जो है कोरोमंडल, और इधर फिर बंगाल का कोस्ट। इस तरीके से हमने चार पार्ट में बांटा है। गुजरात कोस्ट में ये सब जो है ट्रेडिंग स्टेशन उनके रहे। सूरत 1540 से 1612 तक, दमन 1531 से 1739 और 1759 से 1961 तक भी, दीव 1535 से 1739 और उसके बाद 1759 से 1961, बसीन 1534 से 1739 और फिर 1759 से 1961, दादर 1779 से 1954, नगर हवेली 1779 से 1954, बॉम्बे 1534 से 1661। कैसे छिना बॉम्बे अभी बताऊंगा, कहानी बड़ी मजेदार है। सेलसेटे, सेलसेटे 1534 से 1737, चॉल्स 1521 से 1740। तो ये गुजरात कोस्ट पे, गुजरात महाराष्ट्र कोस्ट पे जो ये सारी जो सेटलमेंट्स थी ये वो मैंने आपको बताई। नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट कह सकते हैं आप इसको, रीजनली डिवाइड करें तो। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ चले तो गोवा, कोंकण से लेके मलाबार तक, गोवा में 1509 से 1961, मैंगलोर 1563 से 1739, कन्नूर 1502 से 1636, कैलिकट कोझिकोड 1510 से 1663, और देखें क्रैंगनोर 1523 से 1661, कोचीन 1502 से 1663, क्विलोन 1502 से 1661। ये सारी कोस्ट इनके कब्जे में थी अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें तो। अब बात करते हैं ईस्ट कोस्ट पे। ईस्ट कोस्ट पे दक्षिण की तरफ बिल्कुल नीचे जो हम साउथ ईस्टर्न कोस्ट देखेंगे तो वहां पे मसूलीपट्टनम 1598 से 1610, पुलिकट 1518 से 1610, साउटोम डी मायलापुर जहां पे ये चर्च एस्टेब्लिश किया गया था मायलापुर मद्रास, वो 1523 से 1749, नागपट्टिनम 1507 से 1657 और ट्यूटीकॉन 1548 से 1658। तो ये भी बहुत सारे ठिकाने उनके पास थे एक्सट्रीम साउथ में ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। उसके बाद बंगाल में भी दो ठिकाने 1579 से 1632 तक, हुगली और चिटगांव जो अब बांग्लादेश में है वो 1528 से 1666 तक। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया अब कहानी, पता क्या कहानी में ट्विस्ट क्या है कि इसके बाद ऐसा क्या हो गया भैया कि पुर्तगाली जो है उनका बोरिया बिस्तरा भारत से बंद गया। क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से उनके पास कुछ ही ठिकाने हाथ में रह गए, दमन एंड दीव, सेलसेटे, गोवा, यही क्यों बचे? जब उनके पास इतने सारे ठिकाने थे तो ऐसी क्या आग लग गई कि भाई इनको उसके बाद अपने बोरिया बिस्तरा उठा के यहां से जाना पड़ा? ये है ना मेन सोचने वाली बात है यार। इस पे इस सवाल का जवाब ढूंढ लोगे ना बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन हमने सोचने की कोशिश ही नहीं की कि क्या हुआ और कैसे आगे की स्टोरी में अंग्रेज कैसे एकदम क्रीप इन कर जाते, कैसे आ गए वो, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ऐसा क्या अंग्रेजों ने ठीक किया, क्या पुर्तगालियों ने गलत किया, वही आगे की स्टोरी है। ठीक है, और पुर्तगाली पावर भारत में डिक्लाइन कैसे की, सवाल तो ये है ना, आगे खत्म कैसे हुई वो, तो वो जानना होगा हमें।
अब कई सारी चीजें हैं, ठीक है, कई सारी चीजें हैं जिसमें एक तो वीक सक्सेसर्स मतलब पुर्तगाल में जो राजा बदलते गए उसके बाद जो सक्सेसर्स आए वो उतने काबिल नहीं थे जितने उस समय थे जब भारत में इन्होंने जड़ें जमानी शुरू की थी। आगे चल के समय बदलता चला गया, ठीक है, आगे चल के समय बदलता चला गया और उनके लिए भारत में सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं रही, वीक सक्सेसर्स, समझ रहे। और उसके बाद डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी कि नोबल्स जो थे ना, नोबल्स, एक एक मिनट रुकना, नोबल्स होते हैं, देखो नोबल्स बता देता हूं मैं तब तक, नोबल्स होते हैं रीजनल गवर्नर या ऑफिशियल, ये जो थे करप्ट थे पुर्तगाल में आगे चलते। इन्होंने जो डोमिनेंस दिखाई उसकी वजह से पुर्तगालियों का कभी भारत में इतना इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है वो राजा के पास रही नहीं थी, जिसकी वजह से वो भारत में बड़ा कंट्रोल बना के रख पाते। तो ये एक वीक सक्सेसर और बाकी एरिस्टोक्रेसी की डोमिनेंस नोबल क्लास की, उसकी वजह से लगातार। और करप्शन एंड माल प्रैक्टिस, जो व्यापारी दल भारत भेजे गए वो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुए और उसकी वजह से लगातार ट्रेड ने सफर किया, पुर्तगाली पावर लगातार डूबती चली गई। ये तो बड़े आम से कारण है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा कुछ देखा बाद में। लेकिन एक और बड़ी और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था इनटॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजन। अब पुर्तगाली भैया बिल्कुल कट्टर क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने वाले। अब यार आप भारत जैसे देश में कट्टरता से कैसे जी पाओगे? भारत में लोग इतनी सारी एथनिक डाइवर्सिटी के साथ रहने वाले, इतनी सारी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, इतने रिलीजियस, आप भारत में को हिंदू धर्म जैसा जो पहले एग्जिस्ट करता था, देयर वर मेनी रिलीजन विद इन वन रिलीजन, हिंदू धर्म में ही बहुत सारे धर्म थे, ऊपर से इस्लाम जैन धर्म अलग अलग पता नहीं कितने कितने धर्म और सेक्ट्स बन गए। और आप चाहते हो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ही रहे, सिर्फ लोग मानेंगे, और क्या आप इस नीति के साथ बहुत ज्यादा लंबा सर्वाइव कर पाते? अलग अलग एथनिसिटी वाले लोग आपको यहाँ रहने देते? नहीं रह पाए होंगे पुर्तगाली, इसीलिए इनटॉलरेंट रवैया उनके यहाँ खात्मे का कारण बना। एक कारण और जो मुझे नजर आता है वो डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। ब्राजील खोज निकाला गया, अब 1498 में वास्को डी गामा आ गया इंडिया, लेकिन उसके साथ एक और आदमी था जो बाद में सेकंड विजिट पे जो पुर्तगाली भारत आया था, तो वो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल बिफोर ही कुड रीच इंडिया, उससे पहले वो ब्राजील पहुंच गया था, और ब्राजील से जब वापस लौटा तो बहुत सारा सामान ट्रेड करके लेके गया, सामान जो है वो लेके गया था ब्राजील, ब्राजील से पुर्तगाल। अब ब्राजील उसने खोज निकाला था पहले, भारत की जो लिए लैंड रूट खोजने से पहले ब्राजील खोज निकाला था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। तो अब जो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो थे उन्होंने ब्राजील खोज निकाला, तो उसके बाद से ब्राजील भी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो भारत के साथ तो व्यापार कर ही रहे थे पुर्तगाली ब्राजील के साथ, लेकिन ब्राजील कंपैरेटिवली इंडिया के सी रूट से बहुत छोटा सी रूट था। तो बाद में जब जब ये कह लो कि धीरे धीरे पुर्तगाली राजा की हालत, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी मजबूत नहीं रही, तो उस समय पे उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बंद कर दिया पुर्तगाली ट्रेडर्स को। जब ट्रेडर्स के पास सिक्योरिटी नहीं थी तो इतने लंबे वॉयज पे इंडिया तक जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा ब्राजील पास है, यहां से ट्रेड करते हैं, इतना लंबा खतरा भी नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे पुर्तगीज ट्रेड जो है वो ब्राजील की तरफ ज्यादा जो है उसका रुझान हो गया। तो डिस्कवरी ऑफ ब्राजील जो है उसकी वजह से इंडिया में उनकी जो इतनी बड़ी पकड़ थी वो कमजोर पड़ी, ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स, अरे यार बाकी के पड़ोसी देखो, यहां पे बैठा नेदरलैंड, ये यूके, फ्रांस, ठीक है, ये डेनमार्क, ये सारे पड़ोसी हमारे इस पुर्तगाल की तरक्की से जले। अरे यार जब आप देखो ना, जब आपके घर में, सीधी सी बात है, आपके घर में अगर कुछ नया फ्रिज आए, नया टीवी आए, सबसे पहले पड़ोसी को खबर हो जाती है। पड़ोसी कहता, अरे भाई इनके घर में तो बहुत माल आ रहा है यार, उसको खबर पड़ जाएगी और वो क्या करेगा, वो आपसे सबसे पहले जलता है, क्योंकि यार और कोई देखे ना देखे, पड़ोसी ने देख लिया होता है, पड़ोसी सबसे पहले जलता है। पड़ोसी को लगता है कहां से ला रहा है माल, मुझे भी वही वही से चाहिए माल, वो भी कोशिश करेगा उस माल को हथियाने की। तो इसीलिए ये सारे यूरोपियंस, इनको भी पता चल गया पुर्तगाली लगातार बहुत पैसा कमा रहे हैं और हम में ऐसा क्या कर दे जिसकी वजह से हम भी इस ट्रेड में शामिल हो जाए। इन सब के भी कान खड़े थे कि भैया पुर्तगालियों ने
बहुत सारा सामान ला के यूरोप की मार्केटों में फेंका है और बहुत माल कमाया, तो वो माल हमें भी चाहिए। अब वो भी अपना शेयर लेना चाहते थे, तो अब वो समय आ गया था कि अब ये यूरोपियंस भी इस ट्रेड में कूदते। ठीक है, तो बाकी की यूरोपियन पावर्स का राइज और भारत में उनका जो जागा हुआ इंटरेस्ट था, वो भी पुर्तगालियों के भारत में उनसे बाद में उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ा, फिर डिक्लाइन। ठीक है, अब जो रह गई ये दो कारण, ये एक तो ये मर्जर विद स्पेन और दूसरा पायरेसी। मर्जर विद स्पेन वाली कहानी सुनो, मर्जर वाली जो कहानी है ना, वो क्या है कि ये देख रहे हैं हम, यहाँ पुर्तगाल है और यहाँ पड़ोस में स्पेन, ये दोनों वही देश है। मैंने अब मेरा पहला लेक्चर उठा के देखो, मैंने बताया था कि इन दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ी राइवलरी थी। इन दोनों ने पोप अलेक्जेंडर सिक्स को बुला के समुद्र के बीचों बीच एक लाइन खींच दी थी, समुद्र के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन खींच दी थी और कहा एक तरफ ट्रेड करेगा स्पेन और दूसरी तरफ ट्रेड करेगा पुर्तगाल। बाद में इस ट्रीटी को रिवाइज किया था, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास बना दिया था, मैंने पहले बताया हुआ कुछ पिछले लेक्चर्स में, जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर जाके देखो, दुनिया की सबसे ऐतिहासिक ट्रीटीज में से है वो, यूनेस्को ने इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज में रखा है 2007 से। इतना बड़ा यार, अपने हिसाब से दुनिया को आधा आधा पार्ट लिया, बोलते हैं कि जो जो उनकी जितनी पता थी उनको, दुनिया जितनी बड़ी है उसको दो हिस्सों में बांट लिया था स्पेन और पुर्तगाल। अब हुआ क्या, पुर्तगाल का राजा मोरक्को में हमला करने चला 1578 में, 1578 इंडिया में टेरिटरी सेट है। अब ये जी मोरक्को में हमला करने चला है, वहां मारा गया, लड़ते लड़ते मारा गया। अब गड़बड़ हो गई, पुर्तगाल की सिचुएशन खराब। अब उल्टा ऐसी सिचुएशन आ गई, पहले पुर्तगाल मोरक्को की तरफ हमले कर रहा था, अब मोरक्को से पुर्तगाल पे हमले होने लगे। इस सिचुएशन का फायदा उठा के स्पेनिश राजा ने पूरे पुर्तगाल पे कंट्रोल बना लिया और अब पुर्तगाल 1580 में पूरा पुर्तगाल स्पेनिश मोनार्क की कंट्रोल में आ गया। और इस इवेंट को 1580 में ये जो मर्जर हुआ ना, 1580 में ये जो मर्जर हुआ है, इसको कहते हैं आइबेरियन यूनियन। स्पेन के साथ पुर्तगाल का मर्जर हो गया, एक ही देश बन गया। अब देखो देश तो एक बन गया, लेकिन पुर्तगाल का ऑटोनॉमस स्टेटस वो छीना नहीं गया। ऑटोनॉमस स्टेटस का मतलब क्या है कि पुर्तगाल में ऐसी जो सरकार बिठा दी गई जो टैक्सेस में से एक हिस्सा स्पेन भेजती रहेगी, वैसे ऑटोनॉमी एंजॉय कर सकती है। तो 1580 के बाद से अब वहां का कोई इंडिपेंडेंट रूलर नहीं है, स्पेन के अधीन है और स्पेन के अधीन रह के पुर्तगालियों को काम करना है। और पुर्तगाली व्यापारियों की अब तक तो भाई राजा ने, जो पुर्तगाली राजा ने बहुत पेट्रनेज दे रखा था, पुर्तगाली राजा सुरक्षा देता था, अब तक उनके जहाज जाते थे इंडिया, अब तो हर बार सुरक्षा देता था। लेकिन अब क्या, अब कौन देगा सुरक्षा, अब कोई सुरक्षा नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि राजा है ही नहीं, स्पेन के राजा को इंटरेस्ट नहीं है पुर्तगाली व्यापार को सुरक्षा देने में। इसी समय पे मौका मिल गया, किसको मौका मिल गया, मौका मिल गया ये पड़ोसियों को जिनके कान खड़े थे, वो थे ये ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड, डेनमार्क। अब इनको तो मौका चाहिए था ना, वो मौका मिल गया। अब कोई पहले तो क्या होता था, इस पूरे रास्ते में सिक्योर बना रखा था पुर्तगाली राजा ने, कोई परिंदा पर मार के तो दिखा दे, कोई जाके दिखा दे इनके जहाजों के पीछे, इनके इनके जो आर्म यूनिट तैयार रहती थी समुद्र में ही, जो कोई पीछा करेगा उसको खत्म कर देंगे। 1580 के बाद वो रॉयल पेट्रोनेज खत्म। अब राजा नहीं है सुरक्षा करने के लिए, अब व्यापारी अपने आप अपनी सुरक्षा करे, व्यापारी कितनी कर लेगा, जितना उसके पास पैसा है उतने रिसोर्सेज है, अब व्यापारी तो नहीं कर सकता सुरक्षा। अब इस समय पे सबसे पहले डच यानी नेदरलैंड, एक देश है नेदरलैंड, तब तो क्यों यहां पे दो देश दिखते हैं, नेदरलैंड और बेल्जियम, ये तब एक ही देश था नेदरलैंड नाम से, नेदरलैंड या डच या हॉलैंड एक ही बात है। इन्होंने 1590 में एक कंपनी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, 1590 के करीब कंपनी बनानी शुरू कर दी। लेकिन कंपनी शुरुआत में कई दिक्कतों का सामना करती है, कंपनी बनकर तैयार ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिस्क था इस बिजनेस में, भारत या ईस्ट के साथ ट्रेड करना है, लेकिन अगर पैसा डूब गया तो, अगर व्यापार नहीं चला तो इसीलिए अब जो कंपनी बनती है ना, कंपनी में होते हैं बहुत सारे पार्टनर्स, एक दो तीन कई सारे लोग जो है मिलके पैसा मिलाते हैं, और पैसा मिला के वो जब पूरा जो कैपिटल तैयार हो जाता है, फिर वो कंपनी जो है उसको रवाना किया जाता है।
तो वो पैसा इकट्ठा ही नहीं हो रहा, पैसा इकट्ठा ही नहीं हो रहा। फाइनली 1602 में, जब इनसे पहले, मतलब ये तो तैयारी कर रहे 1590 से, 1600 आ गया, इनकी कंपनी तैयार नहीं हुई। उससे पहले अंग्रेजों को बीच में खबर मिल गई कि डच भी जो है वो पुर्तगालियों के ट्रेड में अपना हिस्सा लेने भारत जा रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी तैयार कर ली 1600 में, रवाना भी कर दी इंडिया के लिए। अब डच के कान खड़े हो गए, अरे यार हम लेट हो गए, अंग्रेज हमसे पहले पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने 1602 में फाइनली कंपनी तैयार की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हो गई, और इसे डच पार्लियामेंट से एक चार्टर हासिल हुआ, शाही हुकुम हासिल हुआ, जिसके तहत इस चार्टर में उनको कहा गया था कि वो चाहे तो किसी के साथ भी वॉर कर सकते हैं, किसी के साथ भी पीस कर सकते हैं, किसी दूसरे राज्य के साथ कोई नई टेरिटरी अक्वायर भी कर सकते हैं, और कहीं पर भी जाकर किले भी बना सकते हैं ईस्ट में। ईस्ट मतलब जहां इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां पर भी जाएंगे वहां ट्रेड कर सकते हैं किसी के साथ, किसी के साथ वॉर पीस, और कहीं पर भी किले बना सकते हैं। तो बहुत सारी आजादियां दी गई थी इस कंपनी। ऑल्दो जब ब्रिटिश भी इसी पीरियड में निकले थे इंडिया के लिए और ईस्ट के लिए, लेकिन उनको इतनी आजादी नहीं थी, उनको तो सिर्फ 15 साल के लिए व्यापार करने की परमिशन मिली, और उनको नहीं था कि किले बना सकते हो, कहीं पर भी किसी के साथ भी लड़ सकते हो अपनी मर्जी से। यहां इनको पूरी आजादी थी, लिमिटेड परमिशन लेके आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी। लेट जरूर हुए थे वो, लेकिन पूरे दुरुस्त थे। डच भारत पहुंचे 1602-1603 में, लेकिन पहले फैक्ट्री लगा पाए मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जाके 1606 में। दूसरी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में निजामपट्टनम में लगी, पेट्टुपोली में। ये 1608 नोट कर लेना इसको, 1608, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डच फैक्ट्री बता रहा। उसके बाद पुलिकट, पुलिकट में भी एक फैक्ट्री जो है लगाई गई 1610 में, और तमिलनाडु में थी ये फैक्ट्री पुलिकट में 1610 में। सूरत में फैक्ट्री लगाई 1616 में। तो पुलिकट तमिलनाडु 1610 और सूरत 1616। पुलिकट 1610 में जो फैक्ट्री लगाई, ये आगे चल के कहलाई फोर्ट गैलड्रिया, बहुत फेमस फैक्ट्री बनी है, डच के द्वारा स्थापित की गई फोर्ट गैलड्रिया पुलिकट तमिलनाडु में। उस समय विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, उनके राजा से परमिशन मिली थी और तब लगाई थी ये फैक्ट्री। ठीक है, चलो, डच फैक्ट्रीज और भी कई जगह स्थापित की गई, जैसे बंगाल में कासिम बाजार, कराईकल, बालासोर, बरंगोर, और ईस्ट कोस्ट पे गोलकोंडा, इन सभी जगह डच हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे फैक्ट्रीज की भरमार लगा दी। फैक्ट्री क्या है, अभी फैक्ट्री मैज फिर एक वेयर हाउस है जहां पे ट्रेड जो भी करना है वो सामान स्टोर किया जाता है, बाद में उसे उठा करके जहाजों में लाद करके ले जाते हैं अपने देश। तो ये फैक्ट्रियां हुआ करती थी, और जो इनके मालिक हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, उन्हें फैक्टर कहा जाता था, जो व्यापारियों का ही एक एक जो है एक क्लासिफिकेशन थी ट्रेडर्स की। अब डच के बारे में और चीजें कुछ जान लेते हैं। ये डच जो थे, इन्होंने चंद्रगिरी के राजा, आंध्र प्रदेश में चंद्रगिरी एक रियासत थी, वहां के राजा के साथ जो है वो एक ट्रीटी की थी, और चंद्रगिरी के राजा जो पहले विजयनगर रियासत के अधीन था, उस राजा से 1610 में परमिशन ली और पुलिकट में फैक्ट्री ला डाली। ये जो मैं कह रहा था ना 1610 की फैक्ट्री पुलिकट की, ये चंद्रगिरी के राजा से परमिशन लेके लगाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। ठीक है, और यहां पे इन्होंने सोने के सिक्के, इनकी मिंटिंग कढ़ाई शुरू करी। तो डच यार ईस्ट इंडिया वहां से आए यूरोप से, और आके भारत में सोने की कढ़ाई की परमिशन मिल गई इनको, मतलब सोने के सिक्के गाड़ रहे, मिंटिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, और उसके बाद फिर उनको सर्कुलेट किया जाए। 1690 में डच ने क्या किया, पुलिकट की जगह पर नागापट्टिनम को जो है अपना हेडक्वार्टर बना लिया। पीछे देखो, पहला जो फैक्ट्री था वो जो शुरुआती फैक्ट्रीज में पुलिकट 1610 में एस्टैब्लिश की गई थी, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया नागापट्टिनम की फैक्ट्री से। 1690 में उन्होंने एक नई जगह एस्टैब्लिश कर ली नागापट्टिनम, और पुलिकट की जगह पे नागापट्टिनम उनका ठिकाना बना। लेकिन इस बीच 1623 में एक घटना घटी थी। इसी बीच अंग्रेज भी भारत आ पहुंचे थे। अंग्रेज 1608 में पहली बार भारत आ पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने भी भारत में ट्रेड शुरू किया। अंग्रेजों ने तो बल्कि पुर्तगाली ठिकानों पे हमले किए थे गुजरात में, और कुछ मतलब वो तो बड़े जोर शोर से भारत में आए थे। डच भी पीछे नहीं थे, डच ने भी अपनी एग्रेसिव नीतियां अपना रखी थी, और वो भी किसी से यहां डरने वाले नहीं थे।
खास तौर पे उनको इंडोनेशिया मलेशिया के ट्रेड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जो मलाया पेनिनसुला कहलाता है उस ट्रेड में। 1623 में डच ने 10 अंग्रेजों को और 9 जापानियों को एक इंसिडेंट में मैसेकेयर कर दिया, बहुत बुरे तरीके से। कहां? अम्बोयना मैसेकेयर। ये अम्बोयना मैसेकेयर क्या है? अम्बोयना जगह है प्रेजेंट डे मलेशिया, मलाया पेनिनसुला। अब वहां पे हुआ क्या था कि जहां जिस जगह पे जाके परमिशन ली थी डच व्यापारियों ने वहां पे अपनी फैक्ट्री लगा दी, कि वहीं पे अंग्रेज आ गए अपने कुछ जापानी जो है वर्कर्स के साथ, और इस बात से डच जो है जो फैक्टर्स थे या जो उस फैक्ट्री के मालिक, वो गुस्सा हो गए। उन्होंने धमकी दी कि यहां से चले जाओ, अंग्रेजों ने मना किया, उन्होंने गोलियां चला दी। ये सीधे सीधे अंग्रेजों से दुश्मनी लेने वाली एक बात थी, और इस मैसेकेयर के कारण डच और अंग्रेजों की दुश्मनी जो है वो गहराती चली गई। 1623 के बाद डच ने अपने आप को मलाय आर्किपेलागो, मतलब इंडोनेशिया मलेशिया और आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स से रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अंग्रेजों ने भारत के ट्रेड पे ज्यादा ज्यादा जो है वो गहरा जो है वो प्रभाव बनाने का फैसला कर लिया। तो दोनों ने अपने अपने एरिया चूज कर लिए थे, मतलब जहां पे उनका मेजर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। ऑल्दो डच भारत में रहे, उनके कई ठिकाने थे भारत में, लेकिन फाइनली 1759 में वो अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी बैटल में हारते हैं, बैटल ऑफ बेदारा में 1759। बंगाल में ये लड़ाई उन्होंने हारी और डच फाइनली हारे, और बहुत बड़ी संख्या में डच सिपाहियों को पकड़ लिया गया। उसके बाद डच जो है फाइनली उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ता है और अपनी सारी सेटलमेंट्स उठानी पड़ जाती है भारत से। अंग्रेजों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि अपना सारा बोरियो बिस्तर उठाओ और भागो यहां से। तो बैटल ऑफ बेदारा 1759 लड़कर वो भारत से चलते बैठे, हार गए थे, अंग्रेजों ने मजबूर किया, अब जाना ही था। अब अंग्रेजों की बात कर लेते हैं, ये वो हैं जो टिक गए, जो भारत में जिन्होंने अपनी जड़ें जमा ली, जिन्होंने भारत पर फिर उसके बाद कई सालों तक रूल किया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे और बाद में क्राउन रूल जो आ जाता है, तो वो सब अभी जानेंगे। लेकिन शुरुआत में आए थे एज ट्रेडर्स, व्यापारी बन के आए थे। 1599 में इंग्लिश मर्चेंट्स ने एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा नाम रखा गया था जॉन कंपनी, या जॉन जॉन कंपनी हम इसे कह सकते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ। इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताऊं, जो बहुत फेमस कहानी। कहानी क्या है कि जॉन मिल्टन हॉल नाम का एक आदमी 1598-99 में भारत आ पहुंचा। उस वो पुर्तगाली जहाजों का, अब जो पेरेंटलेस थे ना वो जहाज, राजा तो रहा नहीं था, स्पेन और पुर्तगाल का मर्जर हो गया था, तो पुर्तगाली व्यापारियों का जहाज पीछा करते हुए जॉन मिल्टन हॉल भारत पहुंच गया 1598 में। अब वो करता क्या है, जॉन मिल्टन हॉल जो है उसने भारत तक का रास्ता मार्क कर लिया, मैप क्रिएट किया, वापस गया। ब्रिटिश रानी को कहता है कि क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए, मैडम मैडम एलिजाबेथ इस बात के लिए अग्री कर जाती है, क्योंकि प्लान ही बड़ा अच्छा था। कह रहा था कि भारत में पुर्तगालियों ने बहुत पैसा कमाया, भारत अपॉर्चुनिटीज का एक सागर है, ईस्ट में ट्रेड करने से हमारा व्यापार चल निकलेगा, लेकिन पैसा चाहिए मुझे। उन्होंने कहा मुझे पास पैसा चाहिए। ब्रिटिश रानी ने कहा कि तो पैसा चाहिए तो उसके लिए यू कैन मेक अ वेंचर कंपनी, वेंचर कंपनी आप लोगों से पैसा लो, थोड़ा थोड़ा कैपिटल पूरा हो जाओ। उन्होंने कहा कि मैडम इतना आसान थोड़ी ना है। उन्होंने कहा कि अगर ये काम आसान हो जाएगा आपको एक पैसा भी नहीं देना। मैडम ने कहा कि पैसा मैं नहीं दूंगी। उन्होंने कहा मैडम आपको पैसा देना भी नहीं है, पैसा कहां से आएगा, पैसा लोग ही देंगे, लेकिन आप देंगे अश्योरेंस, आप अगर अश्योरेंस दें कि लोगों का पैसा डूबेगा नहीं तो फिर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। जॉन मिल्टन हॉल की बात रानी को पसंद आई, रानी ने अश्योरेंस दिया। जैसे ही कंपनी के शेयर्स जो है वो इश्यू किए गए, रानी ने अश्योरेंस दिया कि लोगों लोग जो पैसा इसमें डालेंगे वो पैसा डूबेगा नहीं, और बहुत ही जल्दी बहुत कम समय में कंपनी का जो टोटल इनिशियल रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया और कंपनी बन के तैयार हो गई। साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर हासिल हुआ क्वीन एलिजाबेथ से, और 15 साल के लिए ट्रेड की परमिशन मिली केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में ट्रेड करने की। केप ऑफ गुड होप याद है ना, साउथ अफ्रीका का बिल्कुल सदर्न एंड, पिछला लेक्चर देख लेना ठीक है। और अब इंग्लिश ट्रेडिंग एक्टिविटीज, अंग्रेजों ने किया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उनका जो ट्रेड था वो ज्यादातर स्पाइसेस पे निर्भर करता था, मसाले चाहिए थे।
मसाले चाहिए थे, मैंने पहले बताया था ना आपको, अंग्रेज मसालों के लालच में ही तो आए थे यहाँ, और क्या चाहिए था? मसाले वो जो काली मिर्च जब खाने में मिलाए तो स्वाद बदल जाए, जायका बदल जाए। अरे यार वो कहते हैं ना कि भाई मतलब मज्जा नहीं लाइफ। ओ यार जिस आदमी ने पहले कभी मसाले खाए ना हो जिंदगी में, वो पहली बार मसाले खाएगा तो उसे तो लगेगा यार ये क्या जिंदगी हसीन, और वो मसाले पहली बार उन्हें उन्होंने चखे थे, और उसकी बड़ी डिमांड थी यूरोप में, और पुर्तगालियों ने उस डिमांड का बहुत फायदा उठाया था, बहुत मसाले बेचे। अंग्रेजों को भी उन मसालों में इंटरेस्ट था, वो मसाले ही लेने आए थे भारत। काली मिर्च जैसा जो मैजिकल जो चीज जो बहुत महंगी बिकती थी, सोने के भाव बिकती थी यूरोप में, ऐसे मसाले लेने आए थे। डच भी मसाले लेने आए थे शुरू में, अंग्रेज भी मसाले लेने आए थे, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि मतलब तो इसीलिए उनका पहला वॉयज जो था ना वो इंडोनेशिया जा पहुंचा था। शायद कुछ मैप को पढ़ने में, जॉन मिल्टन हॉल ने जो मैप क्रिएट करके दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको पढ़ने में भी गड़बड़ हुई थी, इस वजह से वो इंडोनेशिया जा पहुंचे। और उसके बाद फिर उन्होंने स्पाइसेस में ट्रेड किया शुरू में, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आ गया यार स्पाइसेस से ज्यादा जो डिमांड है ना यूरोप में वो किस चीज की है, भारतीय टेक्सटाइल्स की। और धीरे धीरे डच और अंग्रेज दोनों ने ही अपना जो ट्रेड है शुरुआत में तो मसालों पर रखा, और धीरे धीरे शिफ्ट कर गए, धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल्स पे आ गए, जिनकी डिमांड दुनिया भर में थी भारतीय टेक्सटाइल की, कॉटन जो गुड्स थे उनकी। अब ट्रेड कैसे एस्टैब्लिश किया भारत में, 1608 में सूरत गुजरात में एक ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट एस्टैब्लिश किया गया। अब सुनना मजे की बात क्या है कि जो पहला व्यक्ति भारत भेजा गया था 1608 में वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। 1608 में भारत रवाना किए गए, कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के अपने जहाज पे बैठ के भारत पहुंचा। अब पहुंच तो गया 1608 में सूरत में, सूरत एक बड़ा डॉक स्टेशन यहाँ पे कह सकते हो जहां पे जहाज आके रुकते थे, वहां पे उन्होंने अपने जहाज पार्क किए, बहुत भीड़ होती थी पर अपने जहाज लगाए वहां पे, बड़ा था। अब उनको चाहिए था कि उनको एक ट्रेडिंग स्टेशन मिले, एक जगह फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिले, लेकिन फैक्ट्री लगाने की इजाजत तो नहीं पर डॉक तो, और ट्रेड ट्रांजिट जहां से सामान ला देंगे और वहीं पे ले जाके ला के छोड़ेंगे, वो पॉइंट उन्हें मिल गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये 24 अगस्त 1608 में हेक्टर नाम के जहाज पे बैठ के भारत आया, जहांगीर के कोर्ट में पहुंचा आगरा 1609 में, और उनसे परमिशन मांगी कि सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाजत। हॉकिंस टर्किश भाषा बोलनी सीख के आया था बहुत अच्छे से, और उसने जहांगीर को इंप्रेस करने की कोशिश की, जहांगीर बहुत कुछ इंप्रेस हुआ भी, यार गोरा है और विदेश से आया है और ये हमारी भाषा जबान जो है वो अच्छी सीख के आया, तो इसका मतलब जो है वो उससे बहुत इंप्रेस हुए, लेकिन फिर भी परमिशन नहीं मिली। कहा कि वेस्ट कोस्ट पे एक ट्रेडिंग स्टेशन लगा लो, लेकिन सूरत में वो जो ट्रेडिंग स्टेशन लगाने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि सूरत बड़ा बिजी टाउन था, मुगलों ने उनको वहां पे फैक्ट्री लगाने की इजाजत नहीं दी, और जगह दे दी, और इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे ब्रिटिश, क्योंकि उनको चाहिए था मेन के सूरत में ही मिले। अब उन्होंने एक फरमान जो है वो जारी किया वेस्ट कोस्ट पे, जिसमें जो है फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी गई, बट सूरत नहीं था, सूरत में उनको परमिशन नहीं मिली। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश की गई 1611 में, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1611। ठीक है, आप डच की पहली फैक्ट्री देखें, वो भी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, इनकी भी मसूलीपट्टनम, वहां के राजा थोड़े दिलदार थे तो दे देते थे, चलो कोई बात नहीं। अब आगे चलते, इसके बाद 1611-12 में कैप्टन थॉमस बेस्ट भारत पहुंचे, और अब की बार वो जहांगीर से परमिशन लेने पहुंचे थे, लेकिन परमिशन मिलने बड़ी अड़चने थी, क्योंकि जहांगीर और मुगलों को ये इंप्रेशन था कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवल पावर पुर्तगाली है, और उन्हीं के साथ ट्रेड करने में फायदा है, क्योंकि वही हमारे ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हैं यहां से वहां। अंग्रेजों ने अब ये सोच लिया था कि भैया इनकी मोनोपोली को तोड़ देना, इनकी मोनोपोली को हर हालत में तोड़ना होगा, चाहे कुछ हो जाए, एक इंप्रेशन छोड़ना होगा मुगलों के ऊपर कि भैया सब, अगर पानी में कोई सबसे बड़ी ताकत है ना तो भैया अंग्रेज है, ये पुर्तगाली पुर्तगाली कुछ नहीं है, ये पहले जो है इंप्रेशन छोड़ना होगा। उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक बैटल लड़ी, बैटल ऑफ स्वाली होल, उन्होंने पुर्तगालियों के ऊपर सूरत के नजदीक स्वाली में एक बड़ा हमला कर दिया 1611-12 में,
कैप्टन थॉमस बेस्ट ने और पुर्तगाली फ्लीट को बड़े बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया। ये मैसेज पुर्तगालियों के लिए भी था कि हमारे रास्ते से हट जाओ, और मुगलों के लिए था कि समुद्र में कोई बॉस है तो वो अंग्रेज है, ना कि पुर्तगाली। आपके ट्रेड को कोई बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकता है तो वो अंग्रेज कर सकते हैं, ब्रिटिश कर सकते हैं, ना कि पुर्तगीज। पोर्चुगीज को इन्होंने डिफीट कर दिया। उसके बाद मक्का तक का रास्ता जो कट्टर पोर्चुगीज ने पूरा वहां पे रोक लगा रखी थी उसको फ्री करा दिया। इससे तो भैया इंडिया में व्यापारी खुश हो गए कि मक्का जाने का रास्ता खोलवा दिया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के लिए रास्ते और खुलते जा रहे थे। उसके बाद एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिली 1613 में प्रिंस खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां बने, जहांगीर के बेटे शाहजहां। देखो जहांगीर खुद 1605 में ही बादशाह बने थे और उसके और उनका फेवरेट बेटा था प्रिंस खुर्रम शाहजहां, जो उनके लिए बहुत ज्यादा जो है एक्टिवली काम किया करता था। तो शाहजहां से मिले, किससे? शाहजहां प्रिंस खुर्रम से मिले अंग्रेज 1613 में। उनसे फरमान मिला सूरत में फैक्ट्री लगाने का, तो अब ट्रेड चल निकला था। सूरत जो उनके मन मुताबिक जगह थी वो 1613 में वहां के लिए फरमान मिला। एक और फरमान मिला 1616 में जहांगीर से, डायरेक्टली जहांगीर से, और इस बार कैप्टन थॉमस रो एक और फरमान लेकर ईस्ट कोस्ट पे भी ट्रेड करने के फरमान ले आए थे। पुर्तगाल अंग्रेजों का ट्रेड चल निकला था। उसके बाद अलग अलग जो उन्होंने ठिकाने बनाए एक एक करके, देखो सबसे पहले गोलकुंडा के बारे में बताता हूं। गोलकुंडा 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का पूरा पोर्ट मिल गया। कैसे? उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान को 500 पगोडाज की पेमेंट करने का वादा किया एनुअली, कि हम आपको हर साल 500 पगोडा पे करेंगे, आप हमें ये पूरा पोर्ट जो है वो यूज करने के लिए दे दो। मिल गया। अंग्रेजों को एक पैटर्न पता चल गया किस तरीके से जो है भारत में जमीन जो है वो ली जा सकती है राजाओं से, कैसे, चाहे लीज पे या कैसे भी। फिर वो मद्रास, अब जो है फिर अब वो चंद्रगिरी के राजा के पास पहुंचे। आपको याद होगा पुलिकट तमिलनाडु, वो जो जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था, डच ने वहां फैक्ट्री लगाई थी। तो पुलिकट की कुछ दूरी पर चंद्रगिरी के राजा के पास पहुंचे फ्रांसिस डे 1639 में, और चंद्रगिरी के राजा से खाली लैंड ले ली, कुछ छोटे छोटी सी सेटलमेंट थी वहां पे, वो जगह जो है उन्होंने ले ली लीज पर और इसको नाम दे दिया मद्रास। मद्रास पट्टनम शायद वहां पे एक गांव था, उसके नाम से इस जगह को मद्रास नाम दे दिया। और कंपनी की एक्टिविटीज का मेजर ठिकाना बन गया ये मद्रास। यहां पे कंपनी ने किला भी बना डाला और यहां पे कॉइंस की मिंटिंग शुरू की, जो सिक्के हैं उनकी खुदाई करवानी शुरू की। और अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री बना ली और एक छोटा फोर्ट यहां पे एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। आगे चल के ये इतना इंपॉर्टेंट ठिकाना बन गया मद्रास कि यहां से पूरा ईस्टर्न कोस्ट मैनेज किया जाने लगा ब्रिटिश ट्रेड का। ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी छोटे छोटे ठिकाने थे सब यहीं से जो है वो कंट्रोल किए जाने लगे। इसके बदले में अब ये मद्रास मिला तो, लेकिन मद्रास पोर्ट से जो भी जो है कस्टम्स रेवेन्यू आने वाला था वहां पे, और जो भी जहाज आके रुकते वो जो भी उससे कमाई होती उसका आधा हिस्सा राजा को पे करना था। अच्छी डील थी, अरे यार मिल रहा है इतना बड़ा लैंड, वहां पे पोर्ट बनाने को मिल रहा, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला आधा कस्टम्स रेवेन्यू आपको देंगे लेकिन मद्रास आना चाहिए। और ऐसे मद्रास मिल गया, पहले गोलकोंडा मिला फिर मद्रास। अब देखो बंगाल की बात, कि बंगाल कैसे मिला। बंगाल में 1651 में हुगली में पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की अंग्रेज। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूरा कोरोमंडल कोस्ट, मतलब इसका मतलब पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है ना, पूरा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ऐसे हम बनाते हैं, ये वाला जो पूरा कोस्ट है, ये वाला पूरा कोस्ट, ये सब फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास से ऑपरेट होने लगा। वही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो तकरीबन यहां पे दक्षिण में, यहां पे चंद्रगिरी के राजा से मिला था 1639 में, फ्रांसिस डे नाम के ऑफिसर ने ऑप्टेन किया था, और यही इनका मेन ठिकाना बन गया। तो पूरे जितने भी ठिकाने इस वेस्ट कोस्ट पे सारे कहां से ऑपरेट किए जा रहे, फोर्ट सेंट जॉर्ज से, फोर्ट सेंट जॉर्ज से ऑपरेट किए जा रहे थे। उसके बाद फाइनली 1690 में, अब 1690 में क्या हुआ आप ये देख लो,
1690 में जॉब चारनॉक नाम का एक ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर, उसको एक फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली सुतनती में। सुतनती जगह थी, एक गांव था, ठीक है, जहां इसके नजदीक अब प्रेजेंट डे कोलकाता शहर है वेस्ट बंगाल में इंडिया के। और यहां पे ये जो जगह मिली थी सुतनती, यहां पे उन्होंने किला बना लिया 1696 में। अब ये किला बनाने की इजाजत बड़ी बड़ी मस्त है। एक शेर अफगान नाम के एक लुटेरे ने बंगाल के कई पोर्ट्स पे हमले किए और इसी वजह से बंगाल में उस समय के बंगाल के नवाब से इन्होंने परमिशन मांगी कि हमें जो है किलों को उनकी फोर्टिफिकेशन करने, हमें बड़े किले बनाने की इजाजत दो ताकि हम उस पर आर्मी बिठा के उसकी सुरक्षा कर सके। आप तो सुरक्षा दे नहीं रहे हमारे, हम अपना सामान कैसे बचाए, वो सारा लूट जाता है। क्योंकि व्यापारियों का सामान लूटना, जैसे ब्रिटिश व्यापारी, डच व्यापारी, वो लूटना सबसे फायदेमंद था लुटेरों के लिए। तो इसीलिए 1696 में इन्होंने बना लिया एक क्या, एक बड़ा किला। और ये किला आगे चल के बहुत फेमस किला बना, फोर्ट विलियम्स। ये वही स्पॉट है, आगे चल के इस पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसकी वजह से आगे बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई। जो कौन सी बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, जिसने अंग्रेजों की भारत में तकदीर पलट के रख दी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो महज एक ट्रेडिंग कंपनी थी, आगे चल के रूल करने की सिचुएशन में आ गई उस युद्ध की वजह से, ठीक है। और उसके पीछे कारण क्या था कि ब्लैक होल में एक हादसा हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी फोर्ट विलियम्स पे, और ये फोर्ट विलियम्स एस्टैब्लिश किया गया 1696 में, ठीक है। 6 साल पहले जमीन मिली थी जॉर्ज चारनॉक ने, सुतनती गांव में जमीन ली थी और उसके बाद फिर यहां पे किला बनाया। 1698 में पूरा सुतनती गांव, पड़ोस का कलकत्ता और गोविंदपुर, ये तीन गांव की जमींदारी मिल गई इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को, बंगाल के सूबेदार अजीमुशान से। सही है, 1698 में जमींदारी राइट मिल गए, टैक्स वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब 1700 में उन्होंने पूरा यहां पे सिटी डेवलप कर दिया, कैलकटा, ठीक है। 1700 तक कैलकटा एस्टैब्लिश हो गया। और कैलकटा जो है, जैसे एस्टैब्लिश हुआ तो सारे बंगाल की फैक्ट्री, मतलब ये तो पूरा कोस्ट है ना, इसमें जो सिर्फ ऊपर वाले रीजन की, यहाँ की जितनी भी जो फैक्ट्रीज थी इस पूरे कोस्ट पे, वो सारी की सारी जो बंगाल कोस्ट की स्पेसिफिकली फैक्ट्रीज थी, वो सारी फोर्ट विलियम्स को दे दी गई। और नीचे की सारी फैक्ट्रीज वो फोर्ट सेंट जॉन से ऑपरेट होने लगी, ठीक है। ईस्टर्न जो डिवीजन है उसमें भी दो ब्रांचेस हो गई, ऊपर की तरफ बंगाल फोर्ट विलियम्स से ऑपरेट हो रहा है, बंगाल बिहार उड़ीसा, और इधर नीचे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जो पे कोस्ट पे जितनी भी टेरिटरीज है वो सारी ऑपरेट हो रही है फोर्ट सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज से, ठीक है। अब आखिरी कौन सा है, बॉम्बे। बॉम्बे जो इतना बड़ा और इंपॉर्टेंट ठिकाना बना अंग्रेजों की, बॉम्बे को अब क्या हुआ, पोर्चुगीज ना फाइनली, देखो पोर्चुगीज के बारे में बताता हूं मैं आपको, पोर्चुगीज के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया, याद करें मैंने क्या नहीं बताया पोर्चुगीज के बारे में पॉइंट, कि पोर्चुगीज, ये पायरेसी वाला केस क्या था, किसी को याद है, मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, ये छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा था। अब ये देखो पायरेसी वाला केस क्या है, पायरेसी वाला केस क्या है अभी आपको पता चलेगा। पुर्तगालियों के साथ ना कुछ ऐसा हुआ कि यार, कुछ ऐसा आपने सुना है कभी कि एक एक बौना आदमी जो है वो जाके ऊंट पे बैठ गया, और ऊंट पे बैठने के बाद भी उसे एक कुत्ते ने काट लिया। बौना आदमी जिसकी हाइट छोटी, पैर नीचे तक लटकते नहीं होंगे, फिर भी उसे कुत्ते ने काट लिया, और वो ऊंट चल भी रहा है, खड़ा भी है, ऊंट ऊंचा भी हाइट में। तो इसको कहते हैं किस्मत खराब होना, यही पुर्तगालियों के साथ था, खराब किस्मत। अब खराब किस्मत क्या थी अभी बताता हूं। पहली चीज तो एक के 1580 से 1640 तक पुर्तगाल स्पेन के कंट्रोल में रहा, कैसे तैसे करके 1640 में पुर्तगाली जो पुराने राजा की जो डायनेस्टी थी, उन्होंने, उसके वंशजों ने वापस से पुर्तगाल को इंडिपेंडेंट किया 1640 में जाके। उसके बाद एक चीज हुई कि पुर्तगाल की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई, वो अंग्रेजों पे डिपेंडेंट हो गया बहुत ज्यादा, और अंग्रेजों से अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए पोर्चुगीज राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी, प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा, ये जो है महारानी प्रिंसेस कैथरीन की शादी, प्रिंस चार्ल्स टू, इंग्लैंड के प्रिंस जो आगे चल के राजा किंग चार्ल्स टू बन गए, इनके साथ शादी करा दी। 1662 में ये रॉयल शादी हुई।
इस शादी से पता क्या हुआ, 1662 में शादी होते ही जो है ये पूरा जो कोस्ट था, जो पूरा कोस्ट था, जो वेस्टर्न कोस्ट में भी गुजरात बॉम्बे वाला जो कोस्ट था, इसकी काफी सारी टेरिटरीज जो है वो सारी हवाले कर दी किसके, किंग चार्ल्स टू के, उनको दे दी दहेज डॉरी में। डॉरी सिर्फ इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। 1668 में अब ये राजा क्या करता है, जो किंग चार्ल्स टू जो पहले प्रिंस थे फिर किंग बन गए, इन्होंने अपनी सारी ये जो टेरिटरी है ये ट्रांसफर कर दी कंपनी को, लीज पे दे दी। अब कंपनी का हो गया बॉम्बे पूरा, ठीक है। अब मराठाओं के थ्रेट की वजह से कंपनी ने बॉम्बे में एक किला भी बना लिया, और धीरे धीरे सूरत उनका जो है वो बिल्कुल, सूरत पहले होता था ना कि मुगलों के समय पे सूरत गुजरात को उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था, धीरे धीरे इट वॉज रिप्लेस्ड बाय बॉम्बे। और बॉम्बे शहर भी इसके बाद 1668 के बाद एक शहर की तरह डेवलप हुआ और ग्रो करने लगा। अब देखो, अब आप इसमें देख लो, अंग्रेजों ने सबसे पहले गोलकोंडा अनेक्स किया, गोलकोंडा में एक पोर्ट जो है वो हासिल किया गोलकोंडा के सुल्तान से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लिया, और फिर पोर्ट सेंट जॉर्ज एस्टैब्लिश किया, फिर बंगाल में जो फोर्ट विलियम्स कलकत्ता एस्टैब्लिश किया, और 1700 के बाद से वो उनका इंपॉर्टेंट ठिकाना बन गया, और तीसरा बॉम्बे। तो तीन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी जो आगे चल के डेवलप हुई, एक बंगाल में बंगाल प्रेसिडेंसी, नीचे साउथ ईस्ट में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, और वेस्टर्न कोस्ट पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीन मेजर प्रेसिडेंसी बन के उभरी। यही तो है वो सारे। इसके बाद डेन्स भारत आए। डेन्स की ना कहानी बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, भारत में बहुत कोई ऐसा नहीं है, लेकिन यार कहानी में, कहानी बड़ी नहीं है पर लंबी है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि दे अराइव्ड इन इंडिया इन 1616, ऑलमोस्ट 1617, 17 मार्च 1616 को डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लिए रवाना किया। 1617 में भारत पहुंच गए, लेकिन पहला ट्रेडिंग आउटपोस्ट भारत में शुरू हुआ 1620 में। ट्रेडिंग आउटपोस्ट जो का मतलब होता है तमिलनाडु में, ट्रांक्यूबर में, तंजोर में, ये पहला ट्रेडिंग आउटपोस्ट जहां से अपने जहाज लाके रोकते, सामान उठाते चले जाते हैं, सिर्फ जो जहाजों को रोकने की जगह जो है वो ट्रेडिंग आउटपोस्ट कहलाती है। 1755 में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, एक कॉलोनी पूरी की पूरी बंगाल में, फ्रेडरिक नगोर, सीरमपुर के पास फ्रेडरिक नगोर, 1755। लेकिन जल्दी ये ईस्ट इंड जो जो डेन्स की जो कंपनी थी ना वो फेल हो गई, कमर्शियली ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई। 1777 में कंपनी पूरे तरीके से बैंकरप्ट हो गई। अब डेनमार्क के राजा ने इसको पूरा टेक ओवर कर लिया, और उसके बाद ये डेनिश क्राउन के अंडर आ गए। अब ये जो फ्रेडरिक नगोर, मतलब मेन जो टाउन था सीरमपुर के अंदर, फ्रेडरिक नगोर ये जो बसाया था इन्होंने, ये इनका मेन ठिकाना बन गया। यहाँ पे ये लोगों को कन्वर्ट करने लगे क्रिश्चियनिटी में, मिशनरी एक्टिविटी शुरू कर दी, और बहुत लंबे समय तक भारत में टिके रहे। और फाइनली 1845 में ये फ्रेडरिक नगोर जो सीरमपुर में एक जगह थी उसको उन्हें अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। बंगाल में 150 साल तकरीबन बिताने के बाद वो भारत से गए, जब अंग्रेजों ने उनके सर पे बंदूक ही रख दी कि भैया अपने ये सब जो जो ठिकाने हैं वो हमें सौंप रहे हो या नहीं, वरना उड़ाएं। तो फिर उन्हें फाइनली वो अपनी सारी सौंपनी पड़ी। अब एक बात बताऊं, डेन्स का था बड़ा अच्छा हिसाब। डेन्स का कुछ ऐसा हिसाब था कि जैसे यार मान लो आप क्रिकेट खेलते हुए कुछ बच्चों को देखते हो, कुछ बड़े लड़के खेल रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा आके जो उस ट्रेड में घुसने की कोशिश करता, भैया भैया मैं भी खेलूंगा, पर उस बच्चे के साथ क्या होता है, उस बच्चे को वो कहते हैं नहीं नहीं तुम अलग खेलो, उस बच्चे को हड़का देते हैं, खिलाते नहीं अपने साथ। वो बच्चा क्या करता है, अपना एक बैट छोटा सा लाता है और दीवार के साथ खेलता रहता है थोड़ी देर। अब थोड़ी देर खेल लिया, उसके बाद उसे लगने लगता है कि मेरा खेल तो अच्छा चल रहा है, लेकिन बाद में वो बड़े लड़के उससे वो खेल भी छीन लेते हैं। तो ऐसा ही है कुछ के बाकी सबने, तो डच ने, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, पुर्तगालियों ने बहुत सारे ट्रेडिंग स्टेशन बनाए, लेकिन डेन्स ने सिर्फ बेचारों ने एक ही ट्रेडिंग स्टेशन बनाया फ्रेडरिक नगोर सीरमपुर बंगाल में, और वो भी जो है वो छुप छुपाते वहीं से ट्रेड करते रहे। 1845 में अंग्रेज आए और उनसे कहा ये भी देखो कि अब ये तो तुम्हें हमें देना ही पड़ेगा, फोर्सफुली उन्हें उसे बेचना पड़ा 1845 में अंग्रेजों को, और फिर वो यहां से चले गए।
ये डेन्स की स्टोरी थी। मैंने कहा था ना ज्यादा नहीं है कहानी में कुछ, लेकिन लंबी है, 150 साल लंबी है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच। ठीक है, अब फ्रेंच की कहानी क्या है? फ्रेंच अंग्रेजों के बहुत बड़े और कट्टर दुश्मन थे। फ्रेंच जो है ये लास्ट थे भारत पहुंचने वाले। फ्रेंच भारत पहुंचे 1664 में, और फ्रेंच ऑब्वियसली यार फ्रेंच जो है वो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, तो जहां अंग्रेजों ने पहुंच जाना था तो वहां तो उनको आना ही था। इंडिया पाकिस्तान लाइक राइवलरी। और जैसे अब फिर 1664 में फ्रेंच प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा कंपनी डेज इंडीज ओरिएंटलीज, अंग्रेजी में कहें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको एक लाइसेंस दिया उस समय के फ्रेंच राजा किंग लुईस फोर्थ ने इंडिया और ईस्ट इंडीज के साथ ट्रेड करने का। फिर 1667 में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई सूरत में। सूरत में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई। अब कैसे मिली इनको परमिशन? हुआ क्या था, इससे कुछ समय पहले सूरत शहर को मराठा छत्रपति शिवाजी ने पूरा लूट डाला था, तो मुगलों को और पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने सूरत में जो है एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन अब की बार दे दी। किसको? फ्रेंच को भी। तो फ्रेंच की किस्मत अच्छी थी, जब वो आए तो उस समय पे मुगलों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, इसलिए उन्होंने पैसे लेकर फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी। किसको? फ्रेंच को। फ्रांसिस कैरॉन इस कंपनी के डायरेक्टर जनरल बने। फिर 1669 में एक और फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। यार मसूलीपट्टनम में तो हर कोई आके फैक्ट्री लगा लेता था आंध्र प्रदेश में। अब फ्रांसिस कैरॉन, उनकी मेन फैक्ट्री सूरत में जो थी, कैरॉन को वापस बुला लिया गया और फ्रैंकोइस मार्टिन को सूरत की फैक्ट्री का डायरेक्टर जनरल बना के भेज दिया गया। बीजापुर के उस समय के जो जो सुल्तान थे शेर खान लोदी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गांव दे दिया फ्रैंकोइस मार्टिन, और वो आगे चल के पौंडीचेरी के रूप में डेवलप हुआ और आगे चल के फ्रेंच के लिए कैपिटल भी बना पौंडीचेरी। 1954 तक पांडिचेरी उनके हाथ में रहा, जैसे पुर्तगालियों के पास गोवा दमन एंड दीव सेलसेटे 1961 तक रहा, ऐसी पांडिचेरी फ्रेंच के पास 1954 तक रहा। ऑल्दो फ्रेंच अपनी मेजर सेटलमेंट्स बहुत पहले गवा चुके थे लाइक पोर्चुगीज। ठीक है, 1674 में इन्हें कलकत्ता के पास, अंग्रेजों का कलकत्ता था ना वो, तो खैर अभी तक तो बना भी नहीं था कलकत्ता, 1674 है, कलकत्ता 1690 में बना। तब फ्रेंच को एक परमिशन मिली, उनको एक साइट दिखी 1692 में, उन्होंने उसको चंद्रनगोर नाम की जगह में डेवलप कर दिया। अब देखो कहानी देखा मजेदार, अंग्रेजों ने 1690 में जो है वो बंगाल में परमिशन लेके कलकत्ता एस्टैब्लिश किया, और इधर उसी समय पे उसके बहुत नजदीक इन्होंने चंद्रनगोर एस्टैब्लिश किया। डच ने कुछ सालों के बाद 1693 में फ्रेंच से पॉन्डिचेरी छीन लिया, डच ने, नेदरलैंड्स ने। फ्रेंच ने उनके साथ एक ट्रीटी कर ली, ट्रीटी ऑफ रिस्विक। इस ट्रीटी से उन्हें चंद्रनगोर वापस मिल गया बंगाल में। चंद्रनगोर फ्रेंच के लिए ईस्टर्न कोस्ट पे यहां एक ठिकाना बन गया। ठीक है, चंद्रनगोर इधर बंगाल में एक ठिकाना बन गया उनका, और नीचे पांडिचेरी एक ठिकाना बन गया। ठीक है, तो ऊपर बन गया चंद्रनगोर और इधर पांडिचेरी। ठीक है, और ये दोनों आगे चल के फर्म फ्रेंच बेसिस बन गए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो है आज का जो, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे अलग अलग यूरोपियन कंपनी रही। अब लेकिन आखिरी पॉइंट रह गया, आखिरी पॉइंट क्या फिर से याद करो, मैंने क्या कहा था आपसे कि ये आखिरी पॉइंट क्या है, पायरेसी वाला पॉइंट बताते हैं। पोर्चुगीज के साथ क्या हुआ कि 1665 1666 में मुगल बादशाह औरंगजेब बन चुके थे, और औरंगजेब ने इंडिया के मेजर पोर्शंस पर कंट्रोल कर लिया था इस समय तक। और इस समय वो जब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं के समय पर कुछ पुर्तगाली लुटेरे पायरेट्स ने आकर ईस्टर्न कोस्ट पे बंगाल और अलग अलग ठिकानों पे आके लूटपाट की। अब क्योंकि पुर्तगालियों को 1660s तक बहुत लंबा समय आ गया था, हो गया था इंडिया में आए, 1498 से थे, लोग उनकी भाषा पहचानते थे, लोग उनके कपड़े पहचानते थे, हर चीज उनके बारे में पहचानते थे लोग। अब इसीलिए क्या हुआ कि इतना पहचानने की वजह से वो पहचान लिए कि पुर्तगाली हैं, उनकी कंप्लेंट कर दी गई, लोकल नवाबों ने बात औरंगजेब तक पहुंचा दी,
औरंगजेब ने एक जनरल ऑर्डर दे दिया 1667 में कि जितने भी पुर्तगाली जो मुगलों के टेरिटरी के अंदर है उनकी सेटलमेंट्स को निकाल बाहर फेंका जाए। अब बॉम्बे वेस्ट कोस्ट वो खुद दे बैठे अंग्रेजों को 1662 में डोरी में, और ईस्ट कोस्ट पे ज्यादातर जहां मुगलों के कब्जे थे वहां से उन्हें निकाल भगाया गया। उसके बाद फूटी किस्मत पुर्तगालियों की, ले दे के बचा गोवा, दमन एंड दीव, सेलसेट। इसी वजह से 1961 तक भी उनके पास यही कुछ ठिकाने बचे। बीच में तो एक बार 20 साल के लिए डच ने छीन भी लिए थे 1739 से 1759 तक, अंग्रेजों ने वापस छुड़ा के दिए, और उसके बाद फिर 1961 तक उनके पास। ठीक है, तो ये थी कहानी। ये सारे कारण थे पोर्टुगीज डिक्लाइन के, वीक सक्सेसर्स का होना, एरिस्टोक्रेसी नोबल क्लास बहुत डोमिनेट करती थी, व्यापारियों में करप्शन माल प्रैक्टिसेस वो सही तरीके से सरकार को टैक्स जमा कराते थे, इनटॉलरेंट थे टुवर्ड रिलीजन, बाकी की यूरोपियन पावर्स से कंपटीशन, ब्राजील की डिस्कवरी की वजह से ब्राजील में ज्यादा इंटरेस्ट होना व्यापारियों का, स्पेन के मर्जर के कारण रॉयल हेल्प नहीं मिल सकी जो बीच में 60 ईयर स्पेन के साथ मर्जर रहा, और फाइनली जो जब कुछ लुटेरे आए तो उन्हें आइडेंटिफाई किया गया जैसे पोर्चुगीज ट्रेडर्स ये कर रहे हैं, और इसी वजह से फाइनली जो है ये एक जनरल ऑर्डर जारी हुआ कि मुगलों की टेरिटरी से पुर्तगालियों को निकाल बाहर किया जाए, और ये थे वो कारण जिसकी वजह से पोर्चुगीज पावर भारत में डिक्लाइन। तो मैंने आज पोर्चुगीज के बारे में बताया आपको, कल हम डिटेल में या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम डच के बारे में। डच के बारे में मैंने आपको बता दिया ठिकाने कहाँ कहाँ थे, फ्रेंच के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, और आगे चल के हुई कुछ मेजर घटनाएं, कुछ मेजर बैटल, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ बैंडीवॉश, जिसमें अंग्रेजों ने अपने बाकी के राइवल्स का सुपड़ा साफ कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, अगली बार तैयार रहना, ये जो पूरा है रिवाइज कर लेना। यार मैंने जो भी चीजें बताई है ना इसको दोबारा से, इस वीडियो को दोबारा से रोक रोक के दोबारा देख लेना, सारे इवेंट्स याद कर लेना, बहुत सारे इवेंट्स मैंने क्लब करके बताए। ठीक है, तो दिमाग में बिठा लोगे जितना अच्छा, कहानी जितनी अच्छी बैठेगी उतना आपके लिए स्मूथ रहेगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, और मैं ये वादा करता हूं कि इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, बिल्कुल छोटी से छोटी बारीक डिटेल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए लगातार, सिविल स्टाफ यूपीएससी पर अपनी प्रेजेंस देते रहिए, लगातार क्लासेस ज्वाइन करिए, और हम जो है आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।